नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जम वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। जम्मू मंदिरों का शहर, आज यहाँ पे मूसलाधार बारिश हुई और उस बारिश के बाद की जो लाइव टेलीकास्ट फुटेज है वो मैं आपके समक्ष लेके आया हूँ। आप देख सकते हैं ये मेन स्टॉप जो है वहाँ का इलाका, यहाँ पे देख सकें मूसलाधार बारिश के बाद किस तरीके से जम्मू स्मार्ट सिटी इस समय आपको दिखती हुई नज़र आ रही है। इस तरह लगता है कि यहाँ पे जो है वो कश्ती लेने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके से उस रोड से इस रोड की तरफ आना है तो कम से कम जो है वो पैदल तो आदमी नहीं आ सकता, कश्ती के साथ ही आ सकता है। हालांकि प्रत्येक बार जब बारिश होती है और उस बारिश में जो है जो प्रत्येक बार जब बारिश होती है तो यहाँ का जो जम्मू स्मार्ट सिटी की पोल है वो हमेशा खुलती है, क्योंकि हमेशा जो पानी की ब्लॉकेज हमको देखने को मिलती है। और इसी ब्लॉकेज के तहत आप देख सकते हैं इधर भी ब्लॉकेज को हटाने का हालांकि कार्य जो है वो चल रहा है, जोर शोर पे चल रहा है, लेकिन इस कार्य के बाद भी जो है यहाँ पे ट्रैफिक जो है जाम है। और मैं बता दूँ आपको कि प्रत्येक बार जब बारिश होती है उस बारिश चलते जो है वो यहाँ पे ब्लॉकेज होती है। कब तक प्रशासन को इस यहाँ पे सिस्टम जो है स्मूथ करने के लिए वो समय चाहिए, क्योंकि हर बार हम जब देखते हैं बारिश होती है और बारिश के बाद जम्मू के ये सिर्फ जहाँ की मैं सिर्फ जो आपको मेन स्टॉप की लोकेशन दिखा रहा हूँ, सिर्फ यहाँ की ये सूरत हाल नहीं है, ये सूरत हाल इस समय पूरे जम्मू शहर में दिख रहा है। यहाँ पे प्रत्येक जो वार्ड है, प्रत्येक रोड जो है, प्रत्येक स्ट्रीट जो है वहाँ पे पानी जो है भरा पड़ा है और जम्मू स्मार्ट सिटी की जो पोल है वो खोल रहा है। हालांकि जम्मू स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट जो है बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है, हम भी चाहते हैं इसको अच्छे से पूरा हो, लेकिन मेरी अनुरोध रहेगा प्रशासन से और ख़ासकर जम्मू स्मार्ट सिटी के जो इस समय बोर्ड है उससे कि उस स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में कहीं ना कहीं अगर आप ये जो सीवरेज की सिस्टम है जम्मू के अंदर, सीवरेज के जो प्रॉब्लम है जम्मू के अंदर खासकर जब बरसात होती है उस सीवरेज के प्रॉब्लम को, और अगर बरसात के समय में अगर आप ठीक करने में थोड़ा सा भी जम्मू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में अगर अपना हिस्सेदारी दे देंगे 10% 12%, तो शायद ये जो पानी की दिक्कत है जिस तरीके से इस समय पूरा जम्मू जो है वो पानी के अंदर दिखता हुआ नज़र आ रहा है, और कहीं कई इलाकों में तो इस तरह की परिस्थिति है कि यहाँ से आदमी जो है वो पैदल नहीं जा सकता, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है, कश्ती का सहारा लेना पड़ सकता है। तो ये सिस्टम, ये जो कश्ती का सहारा है और ये जो परिस्थिति बनी है इससे निजात पाई जा सकती है अगर जम्मू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जो है वो सीवरेज के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। जिस तरीके से जम्मू स्मार्ट सिटी का जो सौंदर्यकरण का जो प्रोजेक्ट है हम देख रहे हैं दीवारों के ऊपर काफ़ी बढ़िया चल रहा है, उस सौंदर्यकरण प्रोजेक्ट के साथ साथ अगर ये जो, क्योंकि ये बेसिक ज़रूरत है प्रत्येक शहरवासी की, जिस तरीके से पानी रुक जाता है सीवरेज के चलते वो जो है कहीं ना कहीं आम जो यात्री हैं और आम जो लोग हैं उनको परेशान करता ही है, लेकिन शहरवासी उनको भी परेशान करता है। इसलिए सौंदर्यकरण के साथ साथ जम्मू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में थोड़ा सा अगर आप 10% 20% सीवरेज सिस्टम की तरफ भी ध्यान दें तो शायद ये जो प्रॉब्लम हर साल हर बरसात के बाद देखने को मिलती है वो शायद प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी, और जो जम्मू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है वो सच में स्मार्ट प्रोजेक्ट दिखेगा। हालांकि इस समय की आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं जम्मू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की, इस समय जो पोल खोलता हुआ, हालांकि प्रोजेक्ट का, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का हम जो है वो प्रशंसा करते हैं कि उससे जम्मू को सौंदर्यकरण किया जा रहा है, लेकिन सीवरेज की प्रॉब्लम को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए कहीं ना कहीं इसके ऊपर भी जो है वो जम्मू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के जो अधिकारी हैं उनको ध्यान देने की ज़रूरत है। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे मेन स्टॉप से, जहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से पानी जो है जहाँ पे ब्लॉक हुआ है, सीवरेज सिस्टम में दिक्कत आई है, और मूसलाधार बारिश के बाद जो सीधी तस्वीरें हमने आप तक पहुँचाने की कोशिश की हैं। आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं, क्या जम्मू के अंदर सीवरेज सिस्टम जो है वो दुरुस्त होना चाहिए और कितना समय लेना चाहिए कि जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को, जम्मू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को कि इस सीवरेज सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए, क्योंकि प्रत्येक वर्ष हम देखते हैं जब भी खासकर बरसात के मौसम में जुलाई अगस्त के मौसम महीने में जब बारिश होती है तो इस प्रकार की दुविधा जो है वो देखने को मिलती है। इस समय बहरहाल मैं बता दूँ आपको कि अगर मैं बात करूँ शास्त्री नगर, गांधीनगर, त्रिकुटा नगर, छन्नी हिम्मत, प्रत्येक जो इलाका है इस समय पानी के अंदर है जिस तरीके से मूसलाधार बारिश हुई है। हालांकि गर्मी से राहत है लेकिन इस राहत के साथ साथ कहीं ये जो पानी ब्लॉकेज की जो दिक्कत है वो भी सामने आई है। सीधी तस्वीरें एक मैं आपको अपने बाईं तरफ दिखाने की कोशिश करूंगा एक बार फिर से, और दूसरी तरफ आप देखिए हालांकि प्रशासन की तरफ से जो है वो सफाई का कार्य जोर शोर से चल रहा है और देर आए दुरुस्त आए, लेकिन इसके ऊपर जो है वो एक ठोस रब्बस जो है वो प्लान करने की ज़रूरत है ताकि जब भी बरसात का पानी आए, बारिश आए, तो इस तरीके से जो है जम्मू शहर पानी के बीच में ना डूबे।
आपकी क्या राय है हमें जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगली अपडेटिंग लिए जुड़ रहे हैं गड़जम वर्चुअल के साथ, कैमरन काका के साथ, मैं पंकज कुजरिया। जय हिंद।